Assalamu alaikum everybody, welcome back to my channel. Warm welcome with another vlog. And first of all, happy new year to all. Aaj saal ka pehla din hai aur Allah Pak aap sab logon ko aane wale saal mein bahut sari khushiyan de aur jo galtiyan aap se pichle saal hui hain Allah Pak wo galtiyan aapko dobara dohrane ka kabhi bhi mauka na de aur hum sabko bahut khush rakhe. Ameen. Aur bhi is tarah ki bahut sari duaen jo main aapko dena chahti hu lekin phir bahut lamba jo hai vlog ho jayega. तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का ऑन तवा और ये फर्स्ट मील ऑफ द ईयर है. आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा जल भी गया है क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तवे पर, वरना इससे पहले हमेशा मैं या तो रोस्ट कर लेती हूँ या फिर इन्हें फ्राई कर लेती हूँ जैसे लेग पीसेस फ्राई करते हैं. लेकिन जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है और इस वक्त वाकई मुझे बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि अगर मैंने खाना रेडी ना किया और रिजवान आ गए तो फिर बहुत मसला हो जाएगा. वैसे वो कुछ कहते तो नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो वेट करें खाने के लिए. तो जनाब यहाँ पर मेरा ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है टिक्का आप कह लें या आप इससे चिकन टिक्का ग्रेवी कह लें, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसको ग्रेवी वाला रख लिया था क्योंकि बिल्कुल सूखा सूखा खाया नहीं जाता. वैसे भी एक और लेफ्ट ओवर सालन था लेकिन मुझे कुछ कंफर्म नहीं था कि वो खाना पसंद करेंगे मेरे भाई और हस्बैंड के नहीं, तो मैंने थोड़ा सा उसको ग्रेवी स्टाइल का बना लिया और अब मैं इसे दम दे दूँगी इसी तवे के साथ ताकि ये जो थोड़ा सा इसके ऊपर मसाला स्टिक हुआ है वो भी साथ में ऐड हो जाए. तो जी इस वक्त हम लोग आ गए हैं पार्क में और असर का वक्त हो रहा है, बल्कि असर हो चुकी थी, असर के बाद का वक्त है जब हम लोग पार्क गए थे. ये बराबर वाली भाभी हैं, उनके बच्चे एक्सेप्ट कर रहे थे कि पार्क जाना है तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप भी चलें, तो इस तरह हम लोग बाहर आ गए और उन्हीं के साथ मैं बाहर चले जाती हूँ, वरना अकेले तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती. और ये पार्क हमारे घर से काफ़ी दूर है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं है, अगर हम पैदल आना चाहें तो यहाँ नहीं आ सकते. काफ़ी अच्छा और बड़ा पार्क है तो ये बना ऊपर चढ़ने की, अभी स्लाइडिंग करने के लिए और वो कोशिश कर रही हैं ऊपर चढ़ने की. छोटी सी है वो, अभी उससे इतना नहीं चढ़ा जाता लेकिन ये कि फिर भी वो चढ़कर स्लाइड कर लेती है. और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, मतलब हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया मौसम को भी और इन्वायरमेंट भी इतना अच्छा था, बच्चे थे हर तरफ, तो बहुत मज़ा आता है बच्चों की गैदरिंग को इन्जॉय करने में, नो डाउट. हम लोग यहाँ जा रहे हैं अभी इस वक्त हाइपर मार्केट क्योंकि मुझे एक ग्रोसरी करनी थी और ये फर्स्ट ग्रोसरी ऑफ द ईयर है 2020 के स्टार्ट में, फर्स्ट मंथ की ग्रोसरी अभी मैं करूँगी क्योंकि जाहिर है सारा कुछ ख़त्म हो चुका था, नया साल नया मंथ और फिर उसके साथ ही सारी चीज़ें ग्रोसरी वगैरह करनी थी. अच्छा यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ये व्लॉग मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड जनवरी का है लेकिन मैं अपलोड इंशाल्लाह आज करूँगी इसे, क्योंकि पहला इशू तो इंटरनेट का है और दूसरा एक सबसे बड़ा इशू जो मैंने आई थिंक आपसे लास्ट व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि हमारी बिल्डिंग में लास्ट वन वीक से पानी का बहुत इशू चल रहा है, तो वो घर के सारे काम मिसमैनेज हो रहे हैं, तो इसीलिए जो काम जल्दी होना होता है वो फिर पानी की वजह से और लेट हो जाता है. तो इस वजह से मैं कोई ख़ास वीडियो इन दिनों अपलोड नहीं कर रही हूँ ना रिकॉर्ड कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वीडियो रिकॉर्ड करने का, इसीलिए मैं अपना व्लॉग भी जो है वो लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कल आते आते काफ़ी टाइम हो चुका था, फिर मुझे सारी चीज़ें समेटनी भी थी अपनी अपनी जगह पर रखनी थी, तो इसलिए मैं कल रात ये व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी. इसलिए मैं इंशाल्लाह आज ये व्लॉग अपलोड कर दूँगी रात तक. तो जनाब यहाँ हम लोग आ चुके हैं लुलु हाइपर मार्केट और जो लोग यहाँ दमाम में रहते हैं तो उन्हें पता होगा कि बहुत अच्छी मार्केट है और काफ़ी बड़ी है और न्यू ईयर की वजह से उन्होंने काफ़ी डेकोरेट की हुई थी मार्केट. अभी इंटर होते ही आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा उन्होंने कलरफुल बलून्स लगा के अच्छा सा बिल्कुल डेकोरेट किया हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था ये सब एरिया, बहुत अच्छा. और भाई भी आया था तो मैं उसको दिखा रही थी कि देखो ये मार्केट भी है, यहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं.
तो वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। अभी आप देखेंगे आगे वो उसके मैंने काफ़ी हिडन वीडियोस जो है वो डाली हुई है यहाँ पर, क्योंकि वो खूब अच्छे से इंजॉय कर रहा था और मैंने उसकी थोड़ी थोड़ी वीडियो बना बना कर अपने व्लॉग में ऐड कर दी ताकि एक मेमोरी सेव हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये हम आ चुके हैं एंट्रेंस में और अभी हम लेंगे ट्रॉली और अंदर जाएंगे। और काफ़ी अच्छा, देखिए उन्होंने एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया था, 2020 को वेलकम किया हुआ था। और यहाँ मेरे भाई मुझे कह रहे थे कि चलो दो तीन मेरी पिक्चर्स यहाँ बना लो, और हस्बैंड जो थे वो पंपलेट देख रहे थे कि कौन सी ऑफर्स लगी हैं, क्या अच्छा है यहाँ पर। तो हम लोगों ने काफ़ी कल इन्जॉय किया ग्रोसरी करते हुए। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन है और हमेशा जब भी मैं यहाँ शॉपिंग करने आती हूँ तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रॉकरी देखना और ख़रीदना। लेकिन मैं इतनी शॉपिंग कर चुकी हूँ क्रॉकरी की कि अब मैं सिर्फ देख लेती हूँ लेकिन कुछ ख़रीदती नहीं हूँ अगर मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लेट्स मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने यहाँ लूलू में आने की वजह मेरी एक ये भी थी कि मैंने ऑफ़र में देखा था कि यहाँ पर एक डिनर सेट है और वो डिनर सेट मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन जब मैं यहाँ मैंने देखा तो मुझे वो ऑफ़र वाला डिनर सेट कहीं नज़र नहीं आया। तो मुझे इतनी हैरत हुई क्योंकि मैंने कल या परसों ही देखा था, बिल्कुल न्यू ईयर ऑफ़र पर लगाया हुआ था प्लेन वाइट कलर का। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले आप देख लें, मैं आपको दिला देता हूँ, लेकिन मैंने इतना एक्सप्लोर किया मुझे कहीं पर भी वो डिनर सेट नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऑफ़र्स तो लगती रहती हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ले लूँगी। तो ये मैंने वीडियो बना ली थी शॉप की, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये शॉप की। और यहाँ ले रहे हैं अपने फेवरेट चावल। चावल बीच में मैंने चेंज कर लिए थे लेकिन अब मैंने वापस से अपने पुराने वाले चावल पे आ गई क्योंकि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा उन चावलों को इस्तेमाल करते हुए। और ये बाकी की ग्रोसरी जो कुछ मुझे लेनी थी वो मैं यहाँ से लूँगी और फिर हम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके ऊपर सेक्शन में जाएँगे।
जी, नीचे वाले सेक्शन से हमारी ग्रोसरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आपने देखा होगा कि मेरे हाथ में काफ़ी लंबी लिस्ट थी सामान की, लेकिन उसमें से आधा सामान वो था जो मुझे चक्की से लेना था। यहाँ बहुत अच्छी दमा में कराची की चक्की है और वहीं से मैं टी लेती हूँ और आटा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी ब्रांड हर जगह यहाँ अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ चक्की से मुझे ईजिली पत्ती मिल जाती है जो मुझे पसंद है और मेरे हस्बैंड भी बहुत पसंद करते हैं उस पत्ती को। तो आधा सामान मैं वहाँ से शॉपिंग करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह वो कल करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले सेक्शन में, क्योंकि मुझे अपने भाई को ऊपर वाला सेक्शन में दिखाना था। वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश हो रहा था वो हाँ हाँ कर, तो मैंने कहा चलो तुम्हें ऊपर का भी थोड़ा दिखा देते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ये मुझे चीज़ बहुत पसंद आई, ये ऊपर सेक्शन में उन्होंने बहुत अच्छा एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ था छोटा सा बच्चों के लिए, और उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बॉल्स रख दी थी, और ये जिप देख रहे हैं आप इसके थ्रू बच्चे को अंदर डाल के, तो वो एयर भर रहे थे उसके अंदर और काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था। मतलब कितना बच्चों के पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्जॉय करने के लिए, वाकई बचपन बहुत खूबसूरत होता है। देखें ये इस तरह बच्चों को अंदर डाल के, और ये बच्ची बहुत डर रही थी और रो भी रही थी, लेकिन उसका जो भाई था वो बहुत एक्साइटेड था, तो उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे थे नहीं आप बैठो इसके अंदर। तो इतना हम लोगों ने इंजॉय किया उसे, तकरीबन हम लोग 5 से 10 मिनट इसके आगे खड़े रहे। फिर मुझे याद आया कि हम बहुत कम टाइम रह गया और हमें बाकी और चीज़ें भी देखनी हैं, तो फिर हम लोग वहाँ से मूव कर लिए। तो जी काफ़ी सारा घूमने फिरने के बाद फाइनली हम लोग अब नीचे जा रहे थे वापस घर जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 12 बजने वाले थे और हम लोग घूम घूम कर बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और इससे पहले मैं पार्क भी जा चुकी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। भाई और हस्बैंड तो फ्रेश थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं अब हम लोग वापस चलते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि घर जाकर मुझे सारा सामान समेटना भी था, इन्हें अपनी प्रॉपर प्लेस पे सेट भी करना था, तो मुझे इस चीज़ की भी टेंशन थी। और मैंने ग्रोसरी में क्या क्या ख़रीदा ये तो आप आधा देख चुके हैं, और आधा बाकी मैं घर जाकर आप लोगों को दिखा दूँगी, आप लोगों के साथ लास्ट में पिक्चर शेयर करूँगी अपनी ग्रोसरी की, फ़र्स्ट ग्रोसरी ऑफ 2020, मैंने क्या ख़रीदा और क्या नहीं ख़रीदा, क्या मैं और ख़रीदूँगी इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में। तो जनाब यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पर भी मैं अपनी एवरीडे पिक्चर अपलोड करती रहती हूँ। तो जी अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और ये है मेरी ग्रोसरी जो मैंने की है अभी आप लोगों के साथ, तो आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।